हाय फ्रेंड, मैं नीलम सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब पहले तो सबको नमस्ते और प्रणाम। फ्रेंड, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। चलिए फ्रेंड, आप लोग मेरी रेसिपी देखिए। फ्रेंड, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा अभी इसमें हल्दी डालना है। डालती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे फ्रेंड और इसको बनाते हैं। फ्रेंड, मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई आप लोगों को, जल्दी जल्दी में था तो मैं बोली चलिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ। सब बच्चे नाश्ता कर रहे थे तो एक बच्ची बोली नहीं नहीं हमको कुछ और ही खाना है। तो हम बोले अच्छा चलो। देखिए फ्रेंड, ये फिटा रहा है। इसमें मैंने देखिए नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल रखा है। मैं आपको बता रही हूँ, जायरेसन पे इसको फेंटते जाएंगे। अब थोड़ा सा भी गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में लोग बनाने को बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बोले मम्मी बना दो तो हम बनाने लगे। देखिए फ्रेंड, मैं सही बोली, लाइट भी आ गई। कहते हैं ना, सच करो तो लक्ष्मी भी साथ देती हैं। ये देखिए, ये हमारा ये डायरेक्शन हो गया और ये देखिए ये ब्रेड है और ये देखिए ये चोखा है। फ्रेंड, अब चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। गैस पर रखते हैं कढ़ाई और गैस को करते हैं ऑन। कढ़ाई में डालते हैं तेल। देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे कट करेंगे। ब्रेड बहुत छोटा है और ये ऐसे हो गया कट। ये देखिए, और एक बार और आपको हम दिखाते हैं कट करके। ये देखिए, ऐसे कर दीजिए आप, आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। और ये इसी तरह पूरा कट कर लेती हूँ तो आपसे मिलती हूँ फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमने ब्रेड काट लिया है। अब इसको ऐसे लेंगे और अब इसमें चोखा डालेंगे। ये देखिए, ऐसे चोखा डालेंगे और इसको ऐसे पैक कर देंगे। ये हो गया हमारा पैक। एक और आपको करके दिखाते हैं ये। और नहीं तो ब्रेड छोटा है फ्रेंड तो हम काटेंगे भी नहीं, तो ऐसे भी बना सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने काटा नहीं है, ब्रेड छोटा है तो इसमें हम चोखा भरेंगे तो थोड़ा ज़्यादा भर जाएगा, इसको कट नहीं किए। ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी में हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा भी गलती हो तो आप लोग माफ़ करिएगा। बच्चे नाश्ता मांग रहे हैं, मम्मी दो कुछ दो खाने को, तो मैं सोची आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, आप मेरी फैमिली। ये देखिए, बन के हो गया रेडी। और अब इसको डालेंगे कढ़ाई में। अब इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे। ये देखिए, हमारा बन के घोल तैयार हो गया है। और ये मसाला हम लोगों ने भर लिया था चोखा। अब इसको ऐसे डिप करेंगे। ये देखिए, ये अभी तेल हो गया है गरम। अब इसको डालेंगे कढ़ाई में। ये डाल दिए। और एक और आपको दिखाते हैं, इसी तरह आप डिप करिए और थोड़ा सा ऐसे रखिए कि जो गिरना हो गिर जाए। फिर आप इसको डालिए कढ़ाई में। ये देखिए, बन के रहा है। ये देखिए, हमने इसको काटा नहीं था, ऐसे किए और ये भी डाल दिए। अब इसको छानते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, धीरे से चलाइएगा। ये देखिए, इसको ऐसे पलट दीजिए। ये देखिए, इतना प्यारा कलर आया है। धीमी आंच पे पकाइएगा फ्रेंड इसको। देखिए फ्रेंड, ये बन गया है। थोड़ा सा और बाकी है बस। मेरे यहाँ ना फ्रेंड, बाहर का सामान जल्दी लाने नहीं देते हैं इनके पापा। बोलते हैं घर में बनाओ, शुद्ध बनाओ, अच्छा बनाओ। बाहर का तो जला पला तेल का बनता है, फिर पेट खराब होगा, ये होगा, उनको पसंद नहीं है। बोलते हैं घर में जो भी खाना है घर में बना के खाओ। चलिए फ्रेंड, अब इसको निकालते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ब्रेड पकौड़ा बना है। ब्रेड पकौड़ा देख के तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड। और अब इसी तरह दूसरा भी डालेंगे। ये देखिए, मेरी बच्ची डालना सीख रही है कि मम्मी एक बार हम भी बनाएंगे। ये देखिए, बना रही है। मम्मी हमको भी दिखाओ, आप बना लेते हो? जिस दिन हमारा मन करेगा हम बना के खा लेंगे, तो वही बना रही है फ्रेंड। देखिए, अभी डाल दी ये ब्रेड। देखिए फ्रेंड, ये कट नहीं किया, जो ऐसे छोटा था तो वैसे डाल दी। ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपसे दिखा रही हूँ। देखिए, और ये भी डाल दी। बस करो बेटा, ये भी डाल दी, बस करो। इसी तरह इसको भी पलट देंगे फ्रेंड। ये देखिए, जहाँ चाह रहती है फ्रेंड वहाँ रहा।
मतलब कहने का मतलब ये, अगर आदमी चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। तो आज खाने का मन था बच्चों का, और बच्चे बोल रहे थे मम्मी चटपटा दो चटपटा दो, तो आज यही बेटी बोली मम्मी आज ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, तो हम बोले नहीं बनाएंगे, बोले नहीं बना दो मम्मा, तो बनाने लगी, तो बोले आज मेरे को भी सिखाओ कैसे बनता है, हम बना लेंगे, तो हम बोले चलो। चलिए अब ये भी हो गया है देखिए, और इसको भी अब हम लोग निकाल लेते हैं इसी तरह। अब हम लोग का ब्रेड पकौड़ा हो गया है रेडी फ्रेंड। चलिए अब चलते हैं, सर्व किया जाएगा। टेस्टी टेस्टी बन के हो गया है रेडी। एक मिनट निकल जा, अकेले वीडियो बनाओ और ये करो तो प्रॉब्लम होता है। और गैस को करते हैं बंद। देखिए फ्रेंड, हमारा ब्रेड पकौड़ा बन के हो गया है तैयार, और चलिए टेस्ट किया जाए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, ब्रेड पकौड़ा बन के हो गया है रेडी, और इंतज़ार की घड़ी हो गई है ख़त्म। अब टेस्ट किया जाए। ये देखिए कितना अच्छा बना है ब्रेड पकौड़ा, लीजिए आप लोग खा लीजिए और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना। बहुत कुरकुरा, बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड, कि हम आपसे क्या बताएं, इतना अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है फ्रेंड, जल्दी जल्दी में बनाई, डर रही थी, चोखा तो बना के तैयार था ही पहले से, तो ये बोली नहीं मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, कुछ तीखा खाएंगे, तो फिर ब्रेड था घर में, तो ब्रेड और चोखा था ही, भर के बना दिए ब्रेड पकौड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।